भक्ति नहीं है तो बकवास है। सोच कोई शोभा नहीं, सोहन राम प्रेम बिनु ज्ञानु कैसे करण धार बिनु जिमे जल जा। नाव है बहुत बढ़िया, बैठे ड्राइवर ने मतलब गाड़ी बहुत बढ़िया खड़ी आपके यहाँ करोड़ रुपए, चलो कहीं फिर ड्राइवर चलो क्या 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 कर तो ऐसे ज्ञान है लेकिन भगवान का प्रेम नहीं। सोहन राम प्रेम बिनु ज्ञानु करण धार बिनु जिमी जल जानू, नाविक के बिना मल्हा के बिना नाव खड़ी हो, ड्राइवर के बिना कार आप खड़ी क्या करोगे इसका, तो फिर रिक्शा ही बुला लो इसके को भी उपयोग ही ना लो, वो कहेंगे ना रिक्शा में बैठ जाओ हमारे साथ पे। अब रिक्शा में बैठ तो शर्म लगे, जब कार खड़ी 10-20 लाख की तो ज्ञान हो के फिर शर्म लगे मंदिर में जाते हुए, हम तो ज्ञान में रहो ज्ञान में रहो अब पल्ले कुछ नहीं, तो इतना इधर का ना उधर का। ये कह रहे हैं कि निर्मल ज्ञान बगैर भक्ति से रहित है राम के बिना। वह निर्मल ज्ञान भी जो मोक्ष की प्राप्ति का साथ साथ साधन है, यदि भगवान की भक्ति से रही हो तो उसकी उतनी शोभा नहीं होती। फिर जो साधन और सिद्धि दोनों ही दशाओं में सदा ही अमंगल रूप है वह काम में कर्म, और जो भगवान को अब अर्पण नहीं किया गया है ऐसा अहेतुक निष्काम कर्म भी कैसे सुशोभित हो सकता है। जो कर्म हमने भगवान के लिए नहीं किए, भगवदर्थ भगवान के प्रेम के लिए नहीं किए, भगवान को अर्पण नहीं, जो भोजन हमने बनाया और भगवान को भोग नहीं उसके लिए नहीं बना रहे हम, भोजन भगवान के लिए नहीं बन रहा रसोई में तो बेकार है, चाहे छप्पन हो भगवान के लिए बन रहा तो चेवा कर्मा भाई की कच्ची खिचड़ी है वो अमृत हो जाएगी, भगवान उसके लिए वहां से खड़ा रहेगा वो छोड़ का जगह जगन्नाथ जी में से। और कर्मा बाई जल्दी से बता रहे हैं कर्मा बाई की बात याद आ रही, कर्मा है कर्मा बाई का नाम कर्मा बाई नहीं था, जय जय नाम तो कुछ और था, जब वो जय जय भगवान जो सुबह सुबह जल्दी जल्दी आके उसकी खिचड़ी खावे थे हापसर में ही हाँ जल्दी वो खिचड़ी बनावे हाँ। तो उन्होंने कहते अभी पकी नहीं, कहते अभी पकी थमरो थमरो, कहते वहाँ पुजारी आ जाएगा तू जल्दी, तो वो लोग कहते थे जल्दी कर्मा वो कर्मा भाई जल्दी कर्मा। अब उन्हें पुजारी का फिक्र है मैं वहां कपाट खुल के मैं वहां न पाया, तो वो लोग कहेगा भाई वो कहा गया ये ढूंढो जब वहां अरे माँ जल्दी कर्मा जो नू कर्मा भाई हो गया वो। तो जो कर्म भगवान के लिए होता है उस खिचड़ी की तरह वो दिव्य भगवान, और अगर भगवान के लिए नहीं बन रहा आप सोच रहे हैं मेहमान के लिए बना रहे हैं आज हम इसलिए बना रहे हैं तो धैर्य का भोजन नहीं बेकार बिना भगवान के। अगर वो बना इसलिए नहीं बना रहे कि भगवान को भोग लगाऊंगे हम और भोग के लिए जो बनना, ऐसे कोई भी कर्म हो कुछ भी कर्म हो आपका ऐसा ही वो भगवान की प्रसन्नता के लिए, अगर नहीं है तो बेकार उसकी प्रसन्नता के लिए करो सारे कर्म करो यही पहले जैसे ही करो आप वो भगवान के लिए करो भगवान जोड़ो उनमें भगवान। महाभाग व्यास जी आपकी दृष्टि अमोघ है, आपकी कीर्ति पवित्र है, आप सत्य प्रायण एवं दृढ़ व्रत हैं, इसलिए अब आप संपूर्ण जीवों को बंधन से मुक्त करने के लिए समाधि के द्वारा अचिंत शक्ति भगवान की लीलाओं का स्मरण कीजिए। अच्छा इसमें वही बात आ गई कि संपूर्ण जीवों को कैसे मुक्त करेंगे, हाँ ये जरा क्लियर से समाधि नाम स्मरण समाधि नाम स्मरण स्थितम तद विचेष्टितम तत विचेष्टि माने उसकी विशेषता तो चेष्टा हाँ, एक विशेष उचित प्रकार से विशेष प्रकार उसकी जो चेष्टा भगवान की विशिष्ट प्रकार की चेष्टाओं का माने भगवान की लीला हाँ, भगवान की लीला विचेष्टा माने लीला जो ठाकुर जी ने करी रामकृष्ण माने तो तत विचेष्टितम कैसे। अब यो ये जो 13-14 श्लोक है ना 13-14 हाँ, हाँ, ये श्लोक ऐसे हैं कि महीनों तक चलने चाहिए हाँ तो समझाओ नहीं समझे तो अथो महाभाग भगवान मोघ द्रक भगवान भगवान अमोघ द्रक ये महाभाग महाभाग वेद व्यास जी आप अवतार हैं भगवान के, आपकी दृष्टि आपका ज्ञान अमोघ है मतलब आप क्या अमोघ माने क्या नहीं जानते अमोघ के अमोघ बाण ऐसा है भगवान का
कि जो किसी को भी जो टारगेट होगा फिक्स कर जहां पे वहीं पहुंचा रहा। आप लोग कहो कि ये चांद से भी परे कोई हो, वहां पे वो बैठा तो ऐसे ही दृष्टि माने ज्ञान, आपका ज्ञान सर्वज्ञता का परिपूर्ण है, सर्वज्ञ सर्वज्ञ बीज आपके अंदर, तो सर्वज्ञता का नेत्र बीज है, आप भगवान है महाभाग। और शुचि सर्वा सत्र तो धृत व्रत है, आप दृढ़ व्रत हैं, जो बात आप ठान लेंगे दृढ़ निश्चयात्मा है आप, जो जो बारहवें अध्याय का जो बारहवें श्लोक है चौदवा कि आप दृढ़ ऐसे भी ना आप ढुल बोले हैं कि एक बार निश्चय कर लिया कि अरे छोड़ो नहीं जाते वहां पाँव में नहीं ना ना, एक बार जो दृढ़ निश्चय कर लिया फिर आपको रोक नहीं सकता, तो ऐसा आपका दृढ़ निश्चय है। और सत्य में आप रत हैं, आप सत्य के अलावा नहीं कुछ कर सकते। शुचि सर्वा पवित्र आप, पवित्र आपका वो है। और भगवान ये भगवान का पर्यायवाची है, उरुक्रम ये भगवान का एक नाम है पर्यायवाची, बहुत जगह आता है। उरुक्रमस्य माने भगवान के, उरुक्रम के उरुक्रमस्य अखिल बंधन मुक्तये। हाँ तो ये उरुक्रमस्य अगली लाइन के साथ आओ, यहाँ देखा अखिल बंध मुक्तये उरुक्रमस्य तद विचेष्टितम्। अच्छा, जो उरुक्रमस्य माने भगवान की विशेषताओं का आप वर्णन कीजिए, परपज क्या है अखिल बंध मुक्तये, जो सब जीव बंधन से मुक्त हो जाए, जो जड़ चेतन जो पृथ्वी के अंदर भी है अभी, जो धरती में भी अभी सब सब कीड़ा की मुक्ति वो भी मुक्त हो, कैसे होगा? खाली सुनने वाले थे नहीं, खाली सब सब सुनो ना सुनो सब, जो समुद्र में 10 किलोमीटर नीचे है वो भी मुक्त हो, जो ज्वालामुखी में कीड़ा है वो भी मुक्त, जो फला ब्रह्मांड के फला ग्रह पे इस कार्य को करेंगे व्यास जी, बेश जारी कह रहे नारद जी, कह रहे नारद जी कह रहे कि तुम करो इस काम को महाभाग व्यास जी, आपकी दृष्टि हो गया, आपकी कीर्ति पवित्र, आप सत्य प्राण है, इसलिए अब आप संपूर्ण जीवों को बंधन से मुक्त करने के लिए समाधि के द्वारा अचिंत्य शक्ति भगवान की लीलाओं का स्मरण कीजिए, अखिल बंध मुक्त सब मुक्त करने के लिए। और कैसे? समाधि में जाओ, पहला समाधि में जाकर ही कथा होते हैं, इसलिए बोलते हैं ये समाधि भाषा के ग्रंथ है। ठीक बात है, रामायण गीता भागवत ये सामान्य विद्वानों के द्वारा लिखे हुए नहीं है, ये समाधि भाषा के ग्रंथ है, समाधि में लिखे हुए हैं तुलसीदास वेद व्यास वाल्मीकि द्वारा। तो आप इसलिए उस समाधि में जाओ, और समाधि में उरुक्रमस्य माने भगवान की विचेष्टितम, भगवान की लीलाओं का आप वर्णन और वो कीजिए, जिससे सब जीव दुनिया के मुक्त हो जाना, खाली आप नहीं सब में सब मुक्त हो जाए। और आप जड़ रथ हैं, मजबूत आदमी है, सत्य रथ हैं, सतमा रहते ही हैं, पवित्र आत्मा है, महाभाग हैं, आप सामान्य आदमी तो नहीं, वो आप लीलाओं का उनको वर्णन करिए भगवान समाधि में जाकर। और अगले इसके साथ ही है, अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो जो मनुष्य भगवान की लीला के अतिरिक्त और कुछ कहने की इच्छा करता है, कहने की इच्छा मात्र है, वह उस इच्छा से निर्मित अनेक नाम और रूपों के चक्कर में पड़ जाता है, उसकी बुद्धि भेदभाव से भर जाती है, जैसे हवा के झरोकों से डगमगाती हुई डोंगी को कहीं भी ठहरने का ठोर नहीं मिलता, वैसे ही उसकी चंचल बुद्धि कहीं भी स्थिर नहीं हो पाती। चौदवा है जी, ततो अन्यथा किंचन, उस भगवान की लीलाओं के अदर अन्यथा उसके अलावा अगर किंचन माने कुछ भी, तथोन्यथा किंचन यद विवक्षत है, यदि भगवान की लीला के अलावा आपने मन में भी कोई बात लाई, कहने मन में भी अगर कोई बात आई, अगर आपके मन में ये बात आई भगवान की लीला के अलावा, जैसे
कि आज तो एक एक बता के कि सुबह मुझे 3 बजे एक ऐसी सुंदर एक कन्या आई और उसने दीपक में वो आरती कर दी थी। और भाव जी आज मेरा मन सुबह से बहुत प्रसन्न है, मैं आज बड़ा खुश हूँ, कुछ ऐसा अद्भुत हुआ है, ये उसने कहा। तो अगर ये बात इसमें ये नहीं जोड़ा कि आप तो ठाकुर जी की क्या लीला हुई, गजब भगवान मेरे सपने में जैसे लंबकनाथ बन के भूत बन के आए थे, नामदेव ने भगवान की लीला के अलावा कुछ भी जिंदगी में नहीं सोचा। कुत्ते को बिल्ली को उन्होंने कुछ कहा, कुत्ता आया आइए ठाकुर जी क्या रूप बनाई स्वान की, क्या लंबकनाथ बन के आए भूत को, लीला ही दिखती थी तो इसलिए नामदेव हुए। और अगर आप उसे यूँ ना कहें कि आ तो ठाकुर जी मेरे स्वप्न में या मेरे उसमें बहुत सुंदर कन्या बन के और ठाकुर जी से दीपक कर रहे हों, आ तो ऐसी लीला करी भगवान ने, तो लीला कहो तो भक्ति में रहोगे भगवान की। और अगर वो कहोगे वो कन्या आई थी और वो आरती उतारी थी तो आपका अब क्या होगा इसका, मान लो सुबह से शाम से तो आनंद आ रहा मान लो, और शाम को कुछ गड़बड़ होगी कुछ भी वो घर में होगी रहे, तो फिर कहेंगे कि वो जो फिर एक घरवाली कहेगी वो जो तुमने बताया था ना कन्या आई थी, आपने फिर क्या करा उसका, कुछ प्रसाद वरसाद चढ़ाया उसका कुछ, अरे वो देवी आई थी प्रसाद चढ़ा का, अब ये पागल हो गया या कन्या से पागल करेगी अगर राम की लीला ना हुई तो, अरे वो अक्षय तीज थी, अक्षय तीज आई थी वहा और अक्षय तीज का तेरे को दान करा, कहना फिर तू तो देख ली कर लो तेरा नाश हो जाएगा, यही कन्या करेगी। और कह देता ना कन्या ना दीपक ना शगुन कुछ, आ तो ठाकुर जी आए और ठाकुर जी ने क्या ऐसा रूप बनाया, ठाकुर जी ऐसे रूप में थे इसे कोई कोई पट्टी नहीं बढ़ा था, जोशी भी कहता तभी इसे कहा कहेंगे जब ठाकुर जी बता रहा, कोई कुछ नहीं कहता ना शगुन था यो ना अपशगुन था ना यो कुछ, यो कुछ नहीं होता। तो लीला के अलावा अगर आपके मन में भगवान की लीला के अलावा कुछ भी आया तो अन्यथा उसके अदरवाइज किंचन माने कुछ भी यद विवक्षता है, कुछ भी आपने कहने की सोचने की अंदर बात आई अभी कहीं भी नहीं, क्या होगा उसका प्रथम दशस्तक रूप इच्छा से निर्मित अनेक नाम और रूपों के चक्कर पड़ जाता, उसकी बुद्धि भेद भाव से भर जाती तो है। उसे उस शब्द जो आपकी इच्छा कहने की हुई और भगवान की लीला नहीं आई तो अब वो कितने ही नाम और रूप बना देंगे, संसार पैदा कर देंगे, संसार पैदा कर, और उसका परिणाम क्या होगा, नए पुत्र चित्त को आप दुष्टता मत, उसका चित्त मन कहीं भी स्थिर नहीं होने का और उसका चित्त जो है वो कहीं भी शांत नहीं रहने का, व्याकुल हो जाएगा, न कुछ छिपापी तो दुष्टता मती, बुद्धि उसकी डिस्टर्ब हो जाएगी, परेशान हो जाएगा वो, और क्या हो डोगी, हाँ जैसे हवा भेद होता है, डगमगाती हुई डोगी को कहीं भी ठहरने का ठोर नहीं मिलता, जैसे नदी में समुद्र में छोटी सी नाव हो और वो तूफान चल जा तो वह तो गई, तो ऐसे ही हमारी बुद्धि अब गई, अब यो पता नहीं क्या सोचे गए क्या कहेंगे क्या करेंगे और कहाँ काम खोया, इसने मूल पे गोमुख पे जब जैसे ही कुछ कहने की इच्छा हुई थी तो राम लगा उस इच्छा को भाई हरी इच्छा करते, हरी इच्छा राम की लीला करते, आज तो मेरे अंदर ऐसी इच्छा हुई किसत नहीं हाँ जय विशाचल एक यहाँ पे राधे श्याम।